अच्छा लग रहा है, मुझे आ रहा है। ये हमारा कंटेनर आया है अभी और डाल दियो, भर गए हो, डाल दियो। तो यहाँ पे दादी पोती एंड चाचू सबकी शॉप देख रहे हैं टीवी आराम से। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ऐसे बैठ के। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, इंजॉय कर लिए। बताओ अभी हूँ परोल यहाँ पे लगी हुई है किचन में सुबह से। सुबह से नहीं, कल रात को बनाया था गाजर का हलवा। कल रात से लगी हुई है, कल रात से ही लगी हुई है। अच्छा, सुबह से नहीं। तो काफी लोग है ना हमसे पूछते हैं कि हमारी हीटिंग कैसे चलती है, पीछे ग्रीन डब्बा क्या है और ऑयल कैसे आता है। तो अभी हमारी ऑयल की डिलीवरी आई है, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ऑयल कैसे आता है। तो जल्दी से चलो। तो ऑयल टैंकर आ चुका है। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा टैंकर कितना लीटर ऑयल मंगवाया है। तो हम ज़्यादा नहीं मंगवाते, हमारा ईयरली 1000 लीटर के आसपास तक लगता है। तो ये जो ग्रीन कंटेनर है, हम इसमें अपना ऑयल स्टोर करके रखते हैं और यहाँ पे गैस वगैरह की फैसिलिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑयल यूज़ होता है हमारे इलाके में। और अब उसने अपना पाइप बिछाना शुरू कर दिया है बाहर। तो आज आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से ऑयल यहाँ पे ये लेके आते हैं और अब डालते हैं। तो इसने ये देखो यहाँ तक पाइप लगा दिया है, और जब तक वो आए मैं जल्दी से इसमें चेक कर लेता हूँ कि कितना ऑयल है। तो यहाँ पे ये पाइप है, इसमें दिखता है, आप दिख रहा होगा 200 के आसपास। तो अब सारा कनेक्शन हो गया है, उन्होंने नोज़ल को डाल दिया है कंटेनर के अंदर, और स्टार्ट करने से पहले ही इज़ रेडी। और उसने उससे रिमोट से मशीन चला दी है टैंकर की, जिससे ऑयल आ रहा है, और वो साथ साथ उसको चेक भी करते हैं नॉर्मली। इसके पास टॉर्च है जैसे, इसने अभी निकाली और ये चेक भी कर रहा है कि ऑयल बढ़ रहा है जो जैसे जैसे वो डाल रहा है। और मैं आपको पूरा सिस्टम दिखाऊं तो ये जो पाइप है ये कनेक्टेड है टैंकर से, जो टैंकर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, और इस टाइप से हमारा ऑयल आता है। तो अब पापा जी भी आ गए देखने के लिए कि ये ऑयल वगैरह ठीक डाल रहा है, कैसे डाल रहा है। और बाकी ये जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, इनका प्रोफेशनलिज्म देखो, बिल्कुल हाईवेज वगैरह टॉर्च ग्लव्स सब कुछ पहन के ये साथ साथ कितनी तसल्ली से काम कर रहा है। देखा क्या ऑयल कैसे आता है हमारे, देखो ये देख ले, वो पीछे वहाँ लगा हुआ है, ट्रक का ट्रक आया हुआ है। तो पारुल चेक कर रही है कितना डल गया, और वो अपना समेट सुमूट के जानदार रहा गयो। तो अभी पारुल ने क्या बनाया, उपमा सांबर एंड चटनी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले कभी खाए? नहीं खाया मैंने तो पहले। नहीं खाया उपमा? नहीं खाया सांबर तो खाई। सांबर या सब्जी खाई थी? सब्जी खाई थी, इटली इडली। कितने सांबर खाई थी मैंने? कड़े अभी रिसेंटली। अच्छा अच्छा, इडली सांबर, ओके ओके। और जस्सू ने तो खाया हुआ है ना? गुड, मम्मी अच्छा बता दिया। बस सांबर थोड़ी सी अलग थी या थोड़ी अलग उस बहुत दाल ज्यादा थी। अच्छा, पापा को भी अच्छा लगा, पापा ऊपर गए बाद में पूछेंगे। अच्छी लगी भाई, नई स्वाद आ गया ना, यूके में नई चीज ट्राई करी से। हां तो पापा इतनी सब्जी ना खाया करन, कदे कदे बोल भर के ना, ऐसी कच्ची कदे भी ना खा, ऐसी कच्ची ना लिए कच्ची कच्ची आ मटर मटर। हां मन तो नहीं होगा, तन कच्ची बना रखी है, खा तो लो। तो रात के 9 बज रहे हैं, मैं और मम्मी यहाँ पे योगा देखने लग रहे हैं स्वामी रामदेव के। योगा देखा भाई रामदेव। और हमारी राजलक्ष्मी यहाँ पे सो रही है हमारे साथ।